एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है, टेम्पो हाई है, डर भी लग रहा है। अ वेरी गुड मॉर्निंग ट्रैवलिंग चटोराज फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर न्यू डे विद अ न्यू एपिसोड एंड एक्साइटिंग ट्रैवल फ्रॉम जिस्पा टू शिंकुला पास। तो आज हम जा रहे हैं शिंकुला पास पे, सोलो राइड करूँगा मैं। कोशिश करेंगे आज शिंकुला पास को टच करके सेम डे ही मैं रिटर्न करूँ, क्योंकि प्लान तो वही है। पहले मेरा दिल था आगे जाके इसको कंटिन्यू करने का, बट अकेला हूँ, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस इन राइडिंग, सो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। वॉट एवर रिस्क इज़ बेरेबल फॉर मी, मैं उसी को ट्राई करूँगा। तो बने रहो मेरे साथ, चलते हैं जल्दी से। तो जी हम निकल पड़े हैं दारचा के लिए। टाइम हो रहा है तकरीबन 12:15 के आसपास, और 1 बजे से पहले एंट्री है। तो तकरीबन 8 किलोमीटर का रास्ता मुझे कवर करना है, जल्दी से दारचा पहुंचता हूं। दारचा तक तो आप लोगों ने सारा रास्ता देख ही रखा है, सो मैं आपको दारचा के बाद का दिखाता हूं। आई गो टूवर्ड शिंकुला पास। शिंकुला पास तो जी दारचा का चेक पोस्ट पार कर लिया है, बड़ी जल्दी से पार हो गया, बाइक रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने साइड पर बाइक लगवा के साथ खुद ही नंबर दे के सारी डिटेल फिल करके जल्दी से निकाल दिया। दारचा से बस 1 किलोमीटर ऊपर आते ही मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं सोलो राइड कर रहा हूँ। पहले मैं हमेशा निशांत भाई के साथ ही मैंने राइड करी है। लास्ट मैंने राइड जो बारालाचला की करी थी और सिसु की करी थी, वो सैम भाई और निशांत भाई दोनों के साथ करी थी। बट दिस इज़ गोना बी फर्स्ट टाइम कि मैं अकेला किसी पास के लिए राइड कर रहा हूँ। सो बाबा जी विश मी लक, मेरी आई क्रॉस माई फिंगर्स कि मेरी जर्नी बड़ी सेफ़ एंड साउंड हो। 39 किलोमीटर्स हैं यहाँ से शिंकुला, 39 किलोमीटर्स हैं यहाँ से शिंकुला। शिंकुला पहुँचते हैं, बीच बीच में जगहों पे रुकूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा जो भी बढ़िया नज़ारे होंगे। पहले शिंकुला पास 39 किलोमीटर, पादुम 143, चिका 10, जानकर सुंडो 17 किलोमीटर। शिंकुला पास तक का जाने का रास्ता अभी तक का तो बहुत बढ़िया है, रोड्स बहुत ही बढ़िया है, बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, पत्थरों की चट्टाने हैं। रास्ता थोड़ा सा अगर अकेले के लिए डरावना है, संभल के चलना चाहिए। रोड पूरी सुनसान पड़ी हुई है, कोई भी बाइकर को मैंने जाते हुए नहीं देखा अभी तक शिंकुला पास की तरफ। माइट भी मैं लेट हूँ, लोग पहले निकल गए होंगे। टूवर्ड्स शिंकुला पास जाते हुए तकरीबन मेरे ख्याल से 9 या 10 किलोमीटर आया होगा, और पास में इतनी सुंदर नदी बह रही है। तो सही एक्सपीरियंस है। धूप निकली हुई है लेकिन धूप इतनी कड़क नहीं लग रही, ऊपर मौसम में ठंडक महसूस हो रही है। चलते अब आगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। एक बार हम शिंकुला पास पहुंच जाएं, उसके बाद रुकेंगे कहीं ना कहीं। ये वो रास्ता है जहां पे अभी कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी, बड़ी गंदी ऑफ रोडिंग है ये। पहले कहते ज़ांस्कार राइड के लिए जाते थे तो इसी तरीके का पूरा रास्ता होता था। वाह, क्या ही नज़ारे हैं जी, क्या ही नज़ारे हैं। कितनी सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स और नदियाँ दिख रही है रास्ते में। इतना डेजर्टेड है कि थोड़ी सी भी ऑफ रोड कर दो सांस फूल जाती है यहाँ पे। तेरी भैन दी, पहाड़ देखो कितने खतरनाक है, कितने बड़े बड़े पत्थर नीचे तक आए हुए हैं। ये सारा दिखता है कि ये स्लाइड वाले पत्थर हैं। अगर बीआरओ ने ये रोड ना बनाया होता तो जान ही निकल जाती शिंकुला पास तक पहुंचने में। ये एक और नदी बहती दिख गई। ये रास्ता अब थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है, खड़ी चढ़ाई है पूरी ऊपर तक। ध्यान से चलेंगे थोड़ा, क्योंकि इस रास्ते पर राइड तो किया नहीं है, तो यू नेवर नो कि अगले कर्व पे क्या मिलने वाला है। बड़ी खतरनाक लैंडस्लाइड आई थी। ओ तेरी पैंदी, पत्थरों का पता नहीं लग रहा, बड़े तीखे नुकीले और बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे। अब ये देखो रोड पे कितना बड़ा पत्थर उड़ के आया हुआ है रोड पे। कितनी दूर है शिंकुला पास? क्या बोल रहे हो? शिंकुला पास कितनी दूर है अभी? हम भी नए पहली बार जा रहे हैं। ठीक, तो जी इनको भी नहीं पता कितना रास्ता रह गया शिंकुला पास का। पूरी बर्फ आई हुई है रोड के ऊपर। ऐसी लग रहा है जैसे बारालाचला के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बारालाचला पे बर्फ ज़्यादा थी। यहाँ भी 5-5, 6-6 फुट ऊंची दीवारें बनी हुई हैं बर्फ़ की। बड़ी मुश्किल चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी सीधी चढ़ाई। तो रास्ता पूरा ख़राब पड़ा है, पूरा नाला फट के रोड पे आ रहा है। तो चढ़ जा भाई, चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। बड़ा रिस्की रास्ता है ये मुझे कह भी रहा था अभी कि इस वाला ऊपर आते आते, अभी मुझे बता भी रहा था ऊपर आता आता एक रास्ता ऐसा आएगा जहाँ पे पूरा स्लश नीचे आ गया था और पूरा रोड ख़राब है। पढ़ाई लिटरली सांस फुला रहा है ये रास्ता। ओ तेरी, ये देखो पूरी खाई, राइट में गए नहीं बह जाएंगे पूरे। ओ तेरी भैन चौथ, ओ चढ़ जाओ, चढ़ जा। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, भयंकर सांस चढ़ रही है ऊपर। चढ़ाने में गलत टाइम पे ऊपर आ गया, सुबह आना चाहिए था मुझे। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा पानी का फ्लो बढ़ता जाएगा। बेंचो पूरी नदी बह के नीचे आ रही है। जूते गीले हो गए मेरे ख्याल से, ठंडा ठंडा पानी लग रहा है अंदर। भाई 200 मीटर का पैच ना कसम से जानलेवा है। पता नहीं पानी का फ्लो दिख रहा नहीं दिख रहा, बहुत तेज़ है पानी का फ्लो। ओ तेरी भाई साहब, कितनी सारी बर्फ़, क्या रास्ता है भाई, मज़ा आ गया। बारालाचला में भी ऐसी बर्फ़ नहीं दिखी मुझे। बर्फ़ बहुत थी बट रोड के ऊपर इस तरीके से बर्फ़ नहीं थी। बिल्कुल वाइट पहाड़, क्या ही सुंदर नज़ारे भाई। लाइफ टाइम मूवमेंट है ये, लाइफ टाइम मूवमेंट। ओ भाजी मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया रोड देख के। और जितना मज़ा मुझे आ रहा है ना उतना ही ख़तरनाक भी है ये, क्योंकि ये कभी भी मेल्ट होके नीचे को आ जाते हैं रोड पे। कसम से कह रहा हूँ, मैं बारालाचला में भी मैंने ऐसा सीन नहीं देखा था, ये बारालाचला से भी सुंदर है। चारों ओर बर्फ़ से घिरा हुआ हूँ, सांस लेने में मुश्किल हो रही है क्योंकि हाइट काफ़ी है, लेकिन नज़ारे ऐसे हैं कि एक बार दिल करा रुक के दिखाई दूँ। ये देखो सामने, ये पूरा पहाड़ बर्फ़ का, और ये ताज़ी बर्फ़ एकदम। खांसी लग गई, बिल्कुल ताज़ी बर्फ़ है। और बहुत रिस्की भी है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि सांस लेने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। अगर चारों ओर देखोगे बर्फ़, पूरा पहाड़ ढके पड़े बर्फ़ से, सिर्फ बीच में ये ब्लैक रोड। और ये कम से कम 3 फुट, 2.5 से 3 फुट के आसपास बर्फ़ है ये, और पूरा पहाड़ है और बिल्कुल ताज़ी बर्फ़ है। ये देखो एकदम ताज़ी बर्फ़, जैसे कल ही गिरी हो या आज ही गिरी हो सुबह। चलो जी, बिना रुके जल्दी से ऊपर चलते हैं क्योंकि वापस फिर आना है। और यही बर्फ़ पिघल के जिस रास्ते को हमने क्रॉस किया था वो काफ़ी तेज़ नाले में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उतरना मुश्किल भी हो सकता है। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं, शिंकुला पास पहुंचते हैं। वो देखो ऊपर लोग स्की कर रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग, ज़िंदगी के मज़े तो यही ले रहे हैं। उतरी 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 उतरी, शिंकुला पास ऊपर है भाई। कितना होगा अंदाजन? थोड़ा रोड साफ है ना, फिर थोड़ा पानी चला हुआ रोड में। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या गुड, थैंक यू। उतरी, ये देखो कैसे रोड पे पानी पिघल के आ रहा है, पूरी ऐसे आ रही नदी का बहाव जैसे। और अगर 1 घंटा और मैं ऊपर रुका और वापस नहीं आया तो ये सबसे मुश्किल पैच होंगे पार करने के लिए। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जल्द से जल्द ऊपर पहुंच जाऊं और फिर जल्दी नीचे आऊं। ओ तेरी, ये पूरी रोड़ी है, रोड पूरी ख़राब हो चुकी है, बाइक पीछे से बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बना पा रही। फंस गई फंस गई फंस गई, निकल 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 निकल। ओए बच गया, अगर इसमें फंस जाता तो बाइक भी ना निकल पाती मेरी। शुड आई बी गोइंग और नॉट? पूरी मिट्टी बह के आई हुई है। फंस गई बाइक, फंस गई। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, और निकल जा निकल जा। भयंकर से फंस गया, पिछला टायर पूरा रोल कर रहा है मिट्टी में। भाई रुक जा, ऊपर ही आने दे, आने दे मुझे। One of the most difficult terrains that I'm doing right now. इसीलिए लोग कहते हैं ज़ांस्कार सबसे मुश्किल और ख़तरनाक राइड है। और रोड़ी होती है तो बंदा निकल जाए, रोड़ी के बीच में इतनी मिट्टी है, पूरा स्लश बना पड़ा है, पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, पानी जगह जगह इकट्ठा पड़ा है, पता भी नहीं लग रहा कि गड्ढा है क्या है। उफ, ये देखो, पैर रखा नहीं कि काम हो जाना है। ओ तेरी, ये रास्ता तो बल्कि जितने भी लेह लद्दाख के मैंने पासेस करे खारदुंगला तक के, उन सब में सबसे ख़राब रास्ता यही है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, जब इस रोड पे पानी पूरा आ जाता है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता होगा इस रोड को क्रॉस करना। इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो रही है कि पूरे कंधे, हाथ, एल्बो, कलाइयाँ सब दुख चुकी है। और ये राइट लेफ्ट में देखिए पूरी वॉल बनी पड़ी है, ये बीच में पूरा स्लश है और पानी की स्ट्रीम ही है, जो थोड़ा सा साफ़ है ये रास्ता। बाकी अगर मैं सूखे पे चलाऊंगा तो ये पूरा स्लश हुआ पड़ा है। मैं रिवर की जो स्ट्रीम बह रही है उसी के ऊपर, या नाले की स्ट्रीम के ऊपर ही चला रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी जो है वो पूरी गीली है और उसके अंदर बाइक धंस रही है। सो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं शिंकुला पास, और पानी का बहाव देखो ऊपर से नीचे। मुझे लग रहा है ऊपर तो मैं आ गया जैसे तैसे करके, नीचे उतरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। उफ, ओ तेरी पे, ओ तेरी तो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। ओ तेरी, ये तो लिटरली नदी बह रही है। बस संभल जा बाइक, ऊपर तक लिटरली नदी बह रही है, ग्लेशियर के नीचे से बहुत तेज पानी आ रहा है। रोड तो है ही नहीं जी, ये तो नदी क्रॉसिंग हो रही है पूरी। ओए, ओ भयंकर नाला बह रहा है पानी का। ओए, बस स्लश, इतना ज़्यादा स्लश हुआ पड़ा आगे, एंड मुझे अब डर लगने लग गया ये स्लश कैसे क्रॉस होगा। और रणवीर तेरे चक्कर में ऊपर आ गया मैं भाई, नहीं तो मैं घर वापस ही आ रहा था। बहुत ज़्यादा स्लश है, बाइक इतनी फंस के चल रही है अंदर कीचड़ में। निकल जा डिग्गी ना, वो निकल जा, बस निकल गए। ओए भयंकर स्लश है जी, भयंकर। सिक्सटीन 16,580 feet। गर्दन दुख रही है मेरी बहुत ज़्यादा हवा लगने के करके। फाइनली आई एम हैप्पी that I've made till Shinkula Pass alone, solo। Shinkula 5,045 meter। क्या ही नज़ारे हैं, सांस चढ़ी हुई है। जितनी मेहनत करके मैं ऊपर आया हूँ सब सफल, बस फट अब ये रही है नीचे कैसे जाऊंगा। हवा नहीं आ रही, हवा बहुत आ रही है मतलब सांस नहीं आ रही। हेलमेट उतारता हूँ, 5 मिनट रेस्ट करता हूँ यहाँ पे। फाइनली आई एम एट शिंकुला पास। आई वॉज बिट कंसर्न्ड, मैं थोड़ा टेंशन में था कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, रास्ता बहुत मुश्किल था। बट आई फाइनली मेड इट अप टिल हेयर एंड आई एम वेरी हैप्पी। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। वी आर एट अ हाइट ऑफ 5,045 meter विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16,580 feet। शिंकुला पास। सब जगह बर्फ़ के पहाड़ है, गला सूख रहा है। पानी बोतल लाया नहीं, मैं सोचा था बीच में कहीं ढाबा डूबा मिल जाएगा मैं पानी ले लूँगा, लेकिन दारचा से ऊपर आने तक मुझे एक भी ढाबा नहीं मिला। ज़रा नज़ारे देखो, सामने का ताल देखो और पहाड़ देखो। पूरा ताल जम चुका है सामने, और वो पहाड़ की पीक्स देखो, सब पे बर्फ जमी पड़ी है। वो टॉप देखो ग्लेशियर का। हवा बहुत तेज है, बहुत ठंडी हवा चल रही है ऊपर। आई एम वेरी हैप्पी कि आई मेड द डिसीजन टू स्टे बैक एट जिस्पा। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं जिस्पा रुकता हूँ और मैं अपने आप एक बार सोलो राइड ट्राई करूँगा। मैंने थोड़ा टफ पीक चूज़ किया, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू माई हैप्पीनेस। लुक एट द ब्यूटिफुल सीनरी हेयर। दिल करता यहीं रुक जाओ, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के करके आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। वैसे ही माउंटेन सिकनेस फील होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि ना पानी है और ना ही खाने के लिए चॉकलेट्स है। मैंने बैग निकाला था बट बैग डालना भूल गया। सो यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अब निकलते हैं यहाँ से, जल्दी से नीचे उतरते हैं बिकॉज आई नो जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे पानी का बहाव तेज़ होगा। और मिट्टी इतनी ज़्यादा स्लश हो रहा था मिट्टी में कि मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे मैनेज होगा। टाइम देखता हूँ मैं क्या है, पे फ़ोन बंद हो गया मेरा। इस टाइम टाइम है 2:15। सही आ गया ऊपर मैं, मतलब 2:15। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में ऊपर आ गया मैं शिंकुला पास पे। मैं नीचे जाता गोम्बो रंजन के लिए बट कपड़े मेरे पास है नहीं, यही जैकेट है। मैंने लगेज कुछ कैरी किया नहीं था, और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे 1 घंटा लगेगा मतलब 3:15। आधा घंटा बाद 4 बजे का मैं निकलना शुरू करूँगा। इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं शिंकुला पास को, वाटर स्ट्रीम्स को क्रॉस कर पाऊँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम निकलते हैं। दिस इज़ द रीज़न मैं ग्लव्स नहीं पहन रहा था। राइडिंग वाले पूरे हाथ जल चुके हैं ठंड से और धूप से। अब निकलते हैं यहाँ से, उतरते हैं नीचे। थैंक यू बाबा जी फॉर ब्रिंगिंग मी अप हेयर, गिविंग मी, क्या कहते हैं उसको, हाँ, मुझे हिम्मत दी ऊपर तक चढ़ने की, यहाँ तक आने की। कीप सपोर्टिंग, कीप ब्लेसिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप, नाक बंद हो रहा है। कीप सपोर्टिंग, कीप ब्लेसिंग लाइक दिस। अपना हाथ मेरे सर पे हमेशा बनाए रहो। एंड आई मेक मैनी सक्सेसफुल जर्नीज लाइक दिस। अब निकलते हैं नीचे, बने रहिए, नीचे का रास्ता और ख़तरनाक होने वाला है। जल्दी पहुंचेंगे जिस्पा कैंप। मुझे लग रहा है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा मुझे जिस्पा कैंप पहुंचने में। तो बने रहो। लेट्स सी द एडवेंचर एंड थ्रिल अगेन। एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है, टेम्पो हाई है, डर भी लग रहा है। चलो नीचे उतरते हैं आप।